घराने की लड़कियां करती हैं, क्या करती हैं? मजे करती हैं, घूमती हैं, घामती हैं, कपड़ों पे कपड़े बनवाती हैं, दीवाने से दीवाना फैशन करती हैं, अब्बू कमाते हैं और बेटियां खर्च करती हैं। बेटा, पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा जो पिछली कई दहाइयों से टीवी के साथ वाबस्ता रही, पीटीवी के सुनहरे दौर के अख्ताम पर एक ऐसा चेहरा टीवी की जीनत बना जिसने बहुत कम वक्त में बहुत शोहरत समेटी, वन एंड ओनली सादिया इमाम। क्या आपको पता है कि इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भुला सकता? जी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप, और मैं ये चाहूंगी कि सादिया इमाम, जिसकी शोहरत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि ये नाम हर घर में एक फर्द की हैसियत अख्तियार कर चुका था। सादिया इमाम जैसी कामयाबी और शोहरत बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। आज की इस वीडियो में हम सादिया इमाम को डिस्कस करेंगे, उनसे मुतालिक मुस्बत और शायद मनफी बातों को भी, लेकिन तमीज के दायरे में रहते हुए डिस्कस करेंगे। सादिया इमाम का ताल्लुक अहले तशी मसलक घराने से है, जो 1971 को रावलपिंडी में पैदा हुई। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, 6 बहन भाई, 3 बहनें और 3 भाई। सादिया इमाम बहन भाइयों में से सबसे छोटी। घरेलू हालात इतने अच्छे नहीं थे, वालद एक छोटे से मुलाजिम थे जबकि वालदा दर्जन थी, यानी गली मोहल्लों में लोगों के सूट सिलाई किया करती थी। एक मेहनती खातून जो बच्चों को कुरान पाक की तालीम भी देती थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सादिया इमाम का बचपन कैसा गुजरा होगा। सादिया इमाम बचपन में बहुत शरारती थी, बहुत ही बातूनी थी, जिसे अल्फाज के दाव पेच आते थे, और उसकी स्पीकिंग पावर भी बहुत अच्छी थी। बतौर चाइल्ड स्टार कैरियर की शुरुआत की, रेडियो पाकिस्तान में बच्चों के प्रोग्राम में आरजे सिलेक्ट हो गईं, लेकिन पढ़ाई भी जारी रखी। फिर जब जवानी आई, यानी 18 साल की उम्र में बाकायदा इंडस्ट्री में एंट्री की। शुरुआत मॉडलिंग से हुई। मशहूर फोटोग्राफर नबीला ने सादिया इमाम का पहला फोटो शूट किया। सादिया इमाम पहली बार मैगजीन में आई, लोग सादिया इमाम की खूबसूरती से मुतासिर हुए, और फिर मुख्तलिफ कंपनीज ने मॉडलिंग के लिए अप्रोच किया और अच्छी ऑफर्स आने लगी। यानी नबीला ने ही सादिया इमाम को शोबिज में मुतारिफ करवाया, मुख्तलिफ कपड़ों के ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की और इश्तेहारात में काम किया। इसके बाद सादिया इमाम को एक म्यूजिक एल्बम बल्कि वीडियो सॉन्ग में बतौर हीरोइन कास्ट किया गया, वो गीत था यासर अख्तर का। यासर अख्तर 90 के दहाई के मशहूर मरूफ गुलकार थे। सादिया इमाम ने उसी दौर में टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा। हैरान कुन तौर पर सादिया इमाम ने अपनी अदाकारी से देखने वालों को बहुत मुतासिर किया। सादिया इमाम ने साबित किया कि वो खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत उम्दा अदाकारा भी है। टीवी ड्रामे करने की देर थी कि सादिया इमाम को ड्रामों की जरूरत समझा जाने लगा। हालांकि 21वीं सदी की शुरुआत में पाकिस्तान में टीवी चैनल्स की भरमार होना शुरू हो गई, लेकिन इसके बावजूद सादिया इमाम की शोहरत में कोई कमी नहीं आई। सादिया इमाम ऐसी अदाकारा थी जिसकी डिमांड में आज तक कोई कमी नहीं। वो जैसी भी हो, मुझे क्या, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि कोई गड़बड़ जरूर करेगी। मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो आज भी हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की फर्स्ट च्वाइस है। अगर वो इस वक्त मीडिया से दूर हैं, तो अपनी निजी मसरूफियात के बाइस हैं। टीवी में कामयाबी के बाद अपनी फैमिली को भरपूर सपोर्ट किया, यानी अपने बहन भाइयों को बहुत सपोर्ट किया। फिर अपनी एक बहन को भी इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया, उसका नाम है आलिया इमाम, जो कि एक कॉमेडियन है। अगर बात की जाए सादिया इमाम के चंद मशहूर ड्रामों की, तो उनके नाम है छोटी सी कहानी, नसीब, पहली बारिश, जब जब दिल मिले, दिया, थोड़ा सा आसमान, अनोखा बंधन, दौड़ी और इश्क जुनून दीवान की। टीवी ड्रामों के साथ फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वो फिल्में ना तो ज्यादा कामयाब हो सकी और ना ही सादिया इमाम उन फिल्मों की वजह से लाइमलाइट में आ सकी, यानी बतौर फिल्म एक्ट्रेस। मैं अब्बू की तरफ से बहुत परेशान हूँ, ना जाने किस मुसीबत में फंस गई ये शादी करके। हैं? लेकिन बेटा, मुझसे तो मंसूर ने कोई जिक्र नहीं किया। अब्बू बहुत खरे इंसान है और दूसरों को भी अपने जैसे ही समझते हैं। चलिए हम बात करते हैं सादिया इमाम की जाती जिंदगी के मुतालिक। शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो कि सादिया इमाम ने अपने कैरियर के अरूज पर 2005 में एक गैर शोबिज शख्सियत के साथ शादी की, लेकिन ये शादी ज्यादा अरसा ना चल सकी और तलाक हो गई।
तलाक की वजह सादिया इमाम का शोबिस कैरियर था। उस दौर में सादिया इमाम और हुमायूं सईद के अफेयर्स की खबरें भी जुबान ज़दे आम हुआ करती थी। अखबारों में ये खबरें भी पढ़ने को मिली कि सादिया इमाम और हुमायूं सईद दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों फनकार बहुत सारे ड्रामों में एक साथ काम कर चुके थे और टीवी ड्रामों के टॉप फनकार थे। सादिया इमाम ने पहली शादी में नाकामी के बाद दोबारा शोबिज इंडस्ट्री में मसरूफ हो गई। चंद सालों बाद 2012 में सादिया इमाम ने दोबारा अजवाजी बंधन में बंधने का फैसला किया। सादिया इमाम को एक मजलिस में एक लड़का पसंद आया, बल्कि उस लड़के को सादिया इमाम पसंद आई। जैसा कि आपको बताया कि सादिया इमाम का ताल्लुक अहले तशीम मसलक से है, तो एक मजलिस के दौरान सादिया इमाम की मुलाकात सैयद अदनान हैदर नकवी से हुई, जो जर्मनी में रहता था और वहां होटल में शेफ था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और घर वालों की इजाजत से शादी का फैसला हुआ। 2012 में सैयद अदनान हैदर नकवी और सादिया इमाम की शादी हो गई और वो इस शादी को कामयाब करना चाहती थी, अपने शोहर को वक्त देना चाहती थी। शादी के बाद दोनों ने मुल्क छोड़ा और जर्मनी चले गए। दो साल जर्मनी में रहे। 2015 में एक बेटी लेकर वापस आए, बेटी का नाम मीरब रखा। अपनी बेटी और शोहर को मुकम्मल वक्त दिया। 2015 में वापस पाकिस्तान आई, इस बार अदाकारी की बजाय बतौर होस्ट काम करने का फैसला किया। 2015 में समा न्यूज ने सादिया इमाम को ऑफर की कि वो समा की जानब से एक शो की होस्टिंग करे। उस प्रोग्राम का नाम रखा गया समा के मेहमान। उस प्रोग्राम को सादिया इमाम ने शुरू किया। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात के घर जाकर उनके इंटरव्यूज करने और उनकी रोजमर्रा जिंदगी के मुतालिक मसरूफियात टीवी पर दिखानी। इस फॉर्मेट में सादिया इमाम ने खुद को मनवाया। बढ़ती उम्र की वजह से सादिया इमाम खुद भी बूढ़ी लगने लगी, लेकिन खुद को पुरकशिश रखने के लिए सादिया इमाम ने सर्जरी का सहारा लिया। 2018 में सादिया इमाम ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। इस सर्जरी की वजह से सादिया इमाम पर बेजा तनकीद भी की गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि सादिया इमाम ने अपना चेहरा बिगाड़ लिया है, वो माइकल जैक्सन की बहन लगने लग गई हैं। 2020 में समा न्यूज के उस प्रोग्राम को अलविदा कहा और अपनी फैमिली को दोबारा वक्त देने का फैसला किया। अपनी फैमिली के साथ मसरूफ हो गई। कराची में आलीशान घर बना रखा है। अभी रिसेंटली सादिया इमाम को अल्लाह पाक ने बेटे की नेमत से भी नवाज दिया है। अब एक बेटा और एक बेटी है और इस तरह उसकी फैमिली भी मुकम्मल हो चुकी है। शोबी से दूर है, अपने बच्चों और शोहर को मुकम्मल वक्त देती है। अगर सादिया इमाम चाहे तो आज भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स उसे उसकी चॉइस के मुताबिक काम देने को तैयार हैं, लेकिन सादिया इमाम के नजदीक काम से ज्यादा फैमिली इंपॉर्टेंट है। सादिया इमाम ने खुद को समझदार, बाशऊर और बावकार साबित किया है। अल्लाह पाक सादिया इमाम की फैमिली को हर किस्म की आफत और परेशानी से महफूज रखे। दोस्तों, आपको सादिया इमाम का कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद था, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।